राधे राधे राधे, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय लड्डू गोपाल की, जय पाल गोपाल की। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे देवशयनी एकादशी व्रत का क्या महत्व होता है और इस दिन से कौन कौन से नियम लागू हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, देवशयनी एकादशी बहुत बड़ी एकादशी होती है। श्री हरि विष्णु भगवान जी को, श्री कृष्ण भगवान जी को समर्पित होती है। एकादशी व्रत रखने से समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। घर में सुख शांति समृद्धि का सदैव वास बना रहता है। श्री लक्ष्मी नारायण गणेश भगवान श्री हमारे घर में हमेशा विराजमान रहते हैं। और फ्रेंड्स, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी को एकादशी व्रत बहुत ही प्रिय होता है। कहते हैं जहाँ पर श्री हरि विष्णु भगवान जी विराजमान होते हैं वहाँ पर माँ लक्ष्मी का निवास हमेशा बना रहता है। इसीलिए एकादशी व्रत रखने का बहुत ही अधिक महत्व होता है, क्योंकि एकादशी व्रत रखने से श्री हरि विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखते हैं। और देवशयनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु भगवान जी शिव सागर में विश्राम करने के लिए जाते हैं। भगवान शिव को पूरी सृष्टि का कार्यभार सौंपकर, शिव को सारा कार्यभार सौंपकर श्री हरि विष्णु भगवान जी क्षीर सागर में निवास करने, विश्राम करने के लिए 4 माह के लिए चले जाते हैं। और इस बीच में भगवान शिव सृष्टि का पूरा कार्यभार संभालते हैं। चातुर्मास शुरू हो जाता है। इस चातुर्मास में यानी बरसात का मौसम होता है। चातुर्मास में जितनी भी पूजा पाठ करने का बहुत ही अधिक पुण्य फल मिलता है। जितने भी हम पूजा पाठ जब तप मनन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो उसका कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। और चातुर्मास में इस बार 2 सावन भी हैं और अधिक मास भी लगा हुआ है। तो अधिक मास में भी जितना ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, भगवान का नाम स्मरण करते हैं, जाप करते हैं, तो उतना ही अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। तो इस बार 26 एकादशियों का पुण्यफल भी प्राप्त होगा, क्योंकि अधिक मास लगा हुआ है। तो 2 एकादशी और बढ़ जाएगी। साल में 24 एकादशी आती हैं और अधिक मास लग जाने से 26 एकादशी हो जाती हैं साल में। और 3 साल में एक बार अधिक मास लगता है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए जितनी भी पूजा पाठ जब तप मनन प्रभु का नाम स्मरण हम करते हैं तो उतना ही अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं ना, कलयुग केवल नाम आधार। इस कलयुग में केवल जितना नाम प्रभु का स्मरण करते हैं, प्रभु नाम स्मरण से ही कल्याण हो जाता है। जितना भी राधे 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 नाम का स्मरण, श्री कृष्ण भगवान जी के नाम का स्मरण करते हैं तो प्रभु उतना ही कल्याण करते हैं, पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। भगवान का स्मरण सदैव करते रहना चाहिए। जो लोग एकादशी व्रत रखते हैं वो लोग श्री हरि विष्णु भगवान जी का श्री विग्रह है माँ लक्ष्मी का, तो उन्हें पंचामृत से स्नान कराइए। लड्डू गोपाल जी श्री राधा रानी जी का श्री विग्रह है तो पंचामृत से स्नान कराइए। सुंदर पीली पोशाक पहनाइए, सुंदर सा श्रृंगार करें, धूप दीप नवेद से अच्छे से पूजा करें, पूरे घर में गंगा जल छिड़के और अपने मेन गेट पर स्वास्तिक हल्दी से बनाइए, इस तरह से पूजा करें। और जितना भी हो सके, जितना भी दिन में आप भगवान का नाम स्मरण करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हैं, तो उतना ही आपको अनंत गुना पुण्य फल मिलेगा। कहते हैं एकादशी के दिन जितनी भी हम पूजा पाठ भगवान का नाम लेते हैं उनका हमें कई गुना पुण्य फल मिलता है। लेकिन उतना ही अगर हम गलत कार्य भी करते हैं, किसी को गलत बोलते हैं या गलत सोचते हैं या गलत कहते हैं, तो उसका भी उतना ही दोष लगता है कई गुना। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि एकादशी के दिन कम से कम बोलें और प्रभु नाम स्मरण करते रहिए निरंतर, तो इतना पुण्यफल मिलता है जितना पूरे साल भर में भी हमें पूजा करने का, मंत्र जाप करने का पुण्यफल हमें एकादशी व्रत रखने से और एकादशी के दिन जितना हम मंत्र जाप करते हैं, भगवान नाम स्मरण जाप करते हैं, उतना फल हमें एकादशी व्रत में व्रत के रखने से और एकादशी के दिन पूजा पाठ जप तप करने से, नाम स्मरण करने से भगवान का प्राप्त होता है कई गुना। तो फ्रेंड्स, इस तरह से
और व्रत कथा जरूर पढ़नी चाहिए। व्रत कथा पढ़ने का बहुत ही महत्व होता है, व्रत के बारे में पता चलता है और बहुत ही अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो लोग व्रत नहीं रखते हैं वो लोग भी श्री हरि विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी का और श्री कृष्ण भगवान राधा रानी का पूजन करें, व्रत कथा जरूर पढ़ें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा अब भगवान का नाम स्मरण करें तो बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। भगवान प्रसन्न होते हैं, अपने श्री चरणों की अखंड भक्ति देते हैं और भक्तों को प्रभु के श्री चरणों की अखंड भक्ति ही मिलना बहुत ही बड़ा सौभाग्य होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से एकादशी व्रत में ध्यान रखना चाहिए। एकादशी व्रत में चावल नहीं खाने चाहिए। एकादशी व्रत दशमी की शाम से ही एकादशी व्रत का नियम शुरू हो जाता है। सूर्य अस्त होने से पहले भोजन कर लेना होता है, सूर्य अस्त होने के बाद भोजन नहीं करना होता है। और आप वैसे कुछ ले सकते हैं लेकिन अन्न नहीं खाना होता है, चावल नहीं खाने होते हैं। जो लोग एकादशी व्रत रखते हैं उन लोगों को भी एकादशी के दिन और दशमी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए। जो व्रत नहीं रखते हैं वो खा सकते हैं, लेकिन जो व्रत रखते हैं उन लोगों को एकादशी और दशमी के दिन चावल नहीं खाने होते हैं। और एकादशी के दिन तो किसी को भी नहीं, जो व्रत रखते हैं और जो नहीं रखते हैं उनको भी नहीं खाने चाहिए चावल, दोष लगता है। द्वादशी के दिन हर किसी को चावल जरूर खाने चाहिए। ठाकुर जी को खिचड़ी बनाकर भोग लगानी चाहिए चावलों की और फिर अपना व्रत खोलना चाहिए। एकादशी के दिन बहुत ही अच्छा होता है जो लोग एकादशी व्रत रखते हैं। एकादशी के दिन अधिक से अधिक पूजा पाठ करें, मंत्र जाप करें, भगवान का नाम स्मरण करें, राधे राधे नाम का स्मरण करें तो भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। और कहते हैं राधे राधे नाम जपने से चले आते हैं बिहारी। जो लोग राधे राधे नाम जपते हैं तो श्री कृष्ण भगवान जी की कृपा प्राप्त होती है, भक्ति प्राप्त होती है। एकादशी बहुत बड़ी तिथि होती है और हर व्रत का अपना महत्व होता है। इस व्रत को करने से वैकुंठ का वास मिलता है, प्रभु भक्ति प्राप्त होती है। तो एकादशी के दिन बातों का ध्यान रखें और एकादशी के दिन दान पुण्य करने का भी विशेष महत्व होता है। अपने हाथों से जितना हो सके अपने सामर्थ्य के अनुसार दान चाहिए। फ्रेंड्स, कलयुग जो है और कलयुग में भगवान नाम स्मरण करते रहना चाहिए, अच्छे कर्म करते रहिए, किसी को चाह कर भी कष्ट ना दे, दुख ना दें और अपने हाथों से किसी चीज़ का कभी गलत ना हो, अच्छा हो, अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे और भगवान नाम स्मरण करेंगे तो भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और भगवान का नाम स्मरण निरंतर करते रहिए। राधे राधे राधे, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय लड्डू गोपाल की, जय बाल गोपाल की।